पटना में शिक्षक की पिटाई करने वाले एडीएम के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। बता दें वहीं पीड़ित शिक्षक के परिजनों ने भी एडीएम को बर्खास्त करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और आपको बता दें पटना में हुए शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान एडीएम के सिंह ने हाथों में तिरंगा लिए प्रदर्शनकारी मोहम्मद अनीसुर रहमान की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कलेक्टर ने एडीएम के खिलाफ जांच शुरू की है। आपको बता दें पटना में पिटाई खाने के बाद दरभंगा में अपने गांव बहेड़ा पहुंचे शिक्षक अनीसुर रहमान ने आज मीडिया से चर्चा की है। शिक्षक ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। नंबर 14 तक हम लोगों का मार्च हुआ, ठीक है। मैं मीडिया से बात कर रहा था और हमारे बाल को जिस तरह पकड़ करके हमको मारने का क्रूरता पूर्वक हमारे तिरंगे का अपमान किया गया, जो हमारा हुब्बुल वतनी है, जो हमारा आन बान शान है, उसे रौंदा गया, पूरे लोकतंत्र को रौंदा गया, पूरे भारत के सर्वोच्च सम्मान को रौंदा गया। हम उसकी कतई हमेशा निंदा करते हैं और निंदा करते रहेंगे। हमारी 3 मांगे हैं, 5 मांगे मैं रखता हूँ, जिसमें से 3 मांगे मुख्य मांगे हैं। हमारे जो एडीएम है के सर, वो आज ही से नहीं, 2018 से पहले से वो छात्रों पर ही अपना लाठी बरसाता आ रहा है, शुरू से लेकर के अभी तक। आप कभी भी उसको देखेगा, छात्रों पर ही उसकी लाठी बरसी है और छुछौरे और गुंडा डकैत पर कभी नहीं उसका लाठी बरसता। उसी तरह उसने हम लोगों को ऑलरेडी टारगेट किया ही था, जिसके तौर उसने सोचा कि किसी तरह हम इसे आज ख़त्म ही कर दें, और ख़त्म करने का हद तक इम्कान उसने कोशिश भी किया, उसमें वो कामयाब भी रहा, ठीक है। हमारे तिरंगे पर जो इनका प्रहार हुआ है, लाठियों का जो उसको रौंदा गया है, उसका सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ, उसे देशद्रोही घोषित किया जाए। उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हमको जान से मारने के लिए उसने जो भी हद तक इम्कान कोशिश किया, ठीक है, उसको उसके तहत FIR दर्ज हो, देशद्रोह का FIR दर्ज हो, और सबसे पहले उसे ADM से जो है बर्खास्त किया जाए अविलंब, आज किसी भी हाल में, 5 घंटे 10 घंटे के अंदर आज उसको किसी भी हाल में अविलंब बर्खास्त कर दिया जाए जिंदगी भर के लिए। दूसरा हमारा प्राथमिक विज्ञप्ति 128 संपूर्ण बहाली नोटिफिकेशन, आज इस तारीख से इस तारीख तक आप आवेदन करेंगे, इस तारीख से इस तारीख तक जो है औपबंधिक मेधा सूची बनेगा, इस तारीख से इस तारीख तक जो है आप जो है आपत्ति करेंगे, इस तारीख से इस तारीख तक फाइनल मेधा सूची होगा, इस तारीख से इस तारीख तक जो है आपका काउंसलिंग होगा, इस तारीख से इस तारीख तक जो है आपको लेटर दिया जाएगा, इस तारीख से इस तारीख तक आपका जो आपको जो है योगदान देना है। कंप्लीट बहाली दिसंबर 2022 तक हो जाना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको आकाश पे जाना हो या पाताल से किसी को ऑफिसर को निकालना, वो हम नहीं जानते हमारा। आपको बता दें इस घटना से शिक्षक के परिवार के सदस्यों में भी खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन आम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो लोगों का कानून पर से भरोसा उठ ही जाएगा। पीड़ित शिक्षक की माँ जरीना खातून ने भी ADM के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप नहीं बोलते गरीब आदमी, हम गोईठा ठोक करके बाल बच्चा को पोसा पोसा, लोग का भारिया बर्तन धो करके बाल बच्चा को पोसा। जब हम रोटी मांगने गए तो आपको मारना नहीं चाहिए, ये कोई मुनासिब हुआ सर? 250 आदमी था, सब जो चलता है उसमें उनका गोटी नहीं चल पाता। हमारा कहना मैं ही है कि हमारा बेटा जो बेटा को मारा उसको थोड़ा कोई कि मेरा बेटा को बहुत मुसीबत से बाल बच्चा को पोसे सब, लेकिन मेरा बाल बच्चा जब कामयाबी हुआ तो सरकार मेरे बेटा को रोजी नहीं दिया। हम भी आते हैं तो 10 गो जब बेटा को करता है, कितना दिन पढ़ लिख लीजिए कुछ नहीं किया, वो चलती मेरा बेटा ये कोई रास्ता नहीं है। अगर हम आपका नहीं सर रोजी मांगने के लिए जाएंगे तो क्या मसला है कि आप मार करके इतनी दुख बेटा सब ने काटा है कि कुछ कि भाई मेरा बेटा मेरा काम करता है उसमें हम इतना परिवार को चलाते हैं, आप जानते हैं कि कितनी महंगाई समय हुआ है। अब देखना होगा कि शासन इस मामले में ADM के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। हालांकि इस घटना के बाद से शिक्षक संघ में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है।